My beautiful souls, welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. Guys, reading को start करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो guys please subscribe my channel. Guys, एक general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो, तो आप इस reading को positive way में लीजिएगा. जितना आप resonate हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए. और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसका हम टॉपिक ये देने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टॉपिक ये है गाइस कि आपके कनेक्शन के लिए यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. लेट्स सी कि वहां से क्या स्ट्रेटजीज बन रही हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही. ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, आप लोग क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हो मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए. ओके, पहला ही कार्ड जर्नी का आया है. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, आप लोग क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, जो भी स्प्रिट्स मौजूद हैं वो कृपया बताएं कि क्या प्लानिंग है मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए आप लोगों की. ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ वाओ, जो टू रोमांस. अगेन यहाँ स्ट्रेटजी का कार्ड भी है, यहाँ कॉर्नोकॉपिया भी है. आपके बॉटम के कार्ड तो बहुत ही शानदार है. लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स. क्या स्ट्रेटजी है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या स्ट्रेटजी है. वेट अ सेकेंड. ओके, वाओ, एप्रिसिएशन, अमेजिंग. क्या प्लानिंग है एंजल्स की इस कनेक्शन के लिए, क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए. ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यहां पर है, द गार्डन एंड द गेट, बट ये गिरा है कार्ड. ये भी सारे देखते हैं और क्या आता है. एंजाइटी, स्ट्रेटजी क्या है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉटम से वी हैव केयरिंग कनेक्शन. अभी मैंने शफल नहीं करना है. हीलर ऑफ द एजेस. ओके, क्या है गाइस, क्या है यहाँ पे. ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं एंजल्स, उसमें सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आने वाली है आप तक वो है एप्रिसिएशन. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे टेस्ट ट्रिगर्स देखे हों, बहुत सारी लर्निंग आपको मिली हो. ठीक है, क्योंकि आप किसी जर्नी का पार्ट नजर आते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जर्नी का कार्ड है तो ये डेफिनेटली कोई जर्नी भी हो सकती है आपकी. ओके, अगेन हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन जर्नी हो सकती है आपकी. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो एंजल्स प्लान कर रहे हैं कि आपको एप्रिसिएशन कैसे मिले. ठीक है, क्योंकि जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने लेसन्स को लर्न किया है, जो भी आपने अभी तक अपना डेडिकेशन दिया है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर एप्रिसिएशन बनता है. तो यूनिवर्स कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं सबसे पहले कि आपको एप्रिसिएशन दिया जाए, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं. ठीक है, हो सकता है कि यही आप लोगों का सबसे पहले टारगेट हो यूनिवर्स की तरफ से, कि आप कुछ ऐसे काम करें यहाँ पर कि लोग आपको अप्रिशिएट करें. ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टारगेट भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप कुछ तो ऐसा करिए. ठीक है, कि आपको अप्रिशिएशन मिले. ठीक है, यूनिवर्स आपको उस चीज में ब्लेस कर देंगे 100%, लेकिन स्टार्ट आपको करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे. सो यहाँ पर वो काम करने की बात हो रही है कि आपको वो चीज स्टार्ट करनी है, देन यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे वो अप्रिसिएशन के साथ. राइट, यहाँ पर कुछ लोग भी आपको डेफिनेटली, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिसिएशन कर सकते हैं इस जर्नी में.
ऑल्सो हीलर ऑफ द एजेस, तो डेफिनेटली आप लोग हीलर हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है. सो यहाँ पर ये बात करता है कि यू नो आपका जो भी दिल टूटा है इस कनेक्शन में या फिर जिस भी तरीके से, तो यही दिल को जब आपने हील किया, ठीक है, तो आप बने हीलर, ठीक है, तभी आप बने हीलर, ठीक है. सो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है. ओके सो आप में से काफी सारे लोग हीलर हो सकते हैं, ठीक है, रेकी हीलर हो सकते हैं, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. ऑल्सो कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं कि आपको अबंडेंस तक कैसे पहुंचाना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यू नो रास्ता होकर निकलेगा फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल से. ये अप्रिसिएशन भी मुझे लगता है आपके थ्रॉट चक्र से ही मिलेगा, आपको थ्रॉट चक्र एक्टिवेट करने से मिलेगा. मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है बहुत सीधा सीधा आप बोल देते हो, या फिर यू नो आपके अंदर वो कला नहीं है कि अपने बात को प्रेजेंट कैसे करना है लोगों के सामने. मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों को इस चीज पर काम करने की जरूरत है, अपने थ्रॉट चक्र पर काम करने की जरूरत है, ताकि आपकी बातों का प्रभाव पड़ने लगे, लोग आपकी बातों को समझने लगे. बिकॉज मुझे लगता है मिसअंडरस्टूड हो जाते हो बहुत बहुत बार, लोग एग्जैक्टली आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप बोलना क्या चाहते हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से उस चीज को ले लेते हैं, बिकॉज जितनी उनकी बुद्धि होगी उस हिसाब से वो आपकी बात को ले लेंगे. आप कितनी गहराई की बात कर रहे हो उन्हें समझ में ही नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट चक्रा में प्रॉब्लम है गाइस, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी अबंडेंस मिलनी है, अप्रिसिएशन मिलना है जर्नी में, वो आपके थ्रॉट चक्रा को अगर आप एक्टिवेट करते हैं और कम्युनिकेशन अपना बढ़ा देते हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड आने वाले समय में आपका कोई पर्पस हो इस जर्नी में. सो ये चीज मुझे नजर आ रही है, उसी में आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी यहाँ पर मिलेगी. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली कि अगर कम्युनिकेशन गैप है या फिर कम्युनिकेट सही से नहीं करते हो आप अपने पार्टनर से, या फिर आप दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं हो आप या आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों अपने थॉट चक्रा पर काम करें, ठीक है, आप भी और आपके पार्टनर भी, ताकि आप लोग एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो एक दूसरे से वो बोल पाओ. क्योंकि समटाइम्स ऐसा लग रहा है यहाँ पर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो जाता है. आप में से कोई एक हो सकता है जो इस कनेक्शन में यू नो बोलता ही नहीं है या अपने आपको एक्सप्रेस ही नहीं करता. विद एंजाइटी कार्ड आई फील गाइस कि यहाँ पर आप लोग एंजाइटी में रहते हो उस कनेक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने मन से ही बहुत सारी चीजों को, जैसे मनगढ़ंत कहानियां बना लेना इस कनेक्शन में, आप लोग अपने ही मन से बहुत सारी चीजों को बना लेते हो. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो हुए ही नहीं है इस कनेक्शन में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हुई ही नहीं है कनेक्शन में, वो आप अपने मन में सोच लेते हो, बहुत कुछ ऐसा आप अज्यूम कर लेते हो जो शायद इस कनेक्शन में हुआ ही नहीं कभी कभी भी. मुझे ऐसा लगता है कभी कभार आप लोग में ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने आपसे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, वो शांत रहा, तो आपने उसके शांत रहने की बात को भी जज कर लिया. मतलब जिस तरीके से वो शांत था तो आपने ये भी सोचा अगर ये व्यक्ति शांत है तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है. तो मतलब जैसे कोई अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो सामने वाला अपने हिसाब से सारी चीजों को अज्यूम किए जा रहा है, तो अगर ये बात नहीं कर रहा है तो ये कारण है, बात कर रहा है तो ये कारण है, ठीक है. तो स्ट्रांग कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पर नजर आता है, तो ये मुझे लगता है कि जब ये कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का खत्म होगा तभी ये अबंडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगी. अदरवाइज तो आप इस कनेक्शन में एंजाइटी ही फील कर सकते हो. यू नो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में स्ट्रेंथ की भी बहुत कमी है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ दी जाए पूरी तरीके से, बिकॉज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है. क्योंकि यू नो केयरिंग कनेक्शन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रेंथ की नीड है, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ एक स्ट्रेंथ की नीड है. जब ये स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, आप पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, देन यहाँ पर कुछ पॉसिबल है. बिकॉज कॉर्नोकॉपिया कार्ड के साथ ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और मुझे लगता है बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये. तो यूनिवर्स इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ में लेकर आया जाए, आपको आपकी पावर में लेकर आया जाए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आप लोग एंजाइटी फील करते हो उस कनेक्शन में, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता कोई, आप में से कोई एक हो सकता है जो एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी बातों को, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नहीं एक्सप्रेस करते और दोनों ही अज्यूम करते रहते हैं बैठे बैठे कि अच्छा उसके माइंड में ऐसा चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा. मतलब सामने जाके नहीं पूछना है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, ना उसको पूछना है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे को बताने की अपने अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि अच्छा ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी. सो ये एनर्जी आप लोगों की नजर आती है. तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो, दूसरा आपके अंदर पावर आए, ठीक है, ये चीजें नजर आती हैं.
मेजर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, एक चैलेंज देखेंगे हम यहाँ, मेजर चैलेंज क्या है इस कनेक्शन में। ओके चार कार्ड आ गए, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन एंड मून। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मून का असर है, ठीक है, मून का असर है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि असेंशन के प्रोसेस में होंगे 100% यहाँ पर, तो उसके उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि अफेक्ट होते हैं इमोशनल यहाँ पर होंगे, कुछ लोग इमोशनल बहुत ज्यादा हैं और कुछ मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो कोई साइकिल भी डेफिनेटली यहाँ पर है। तीसरा यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये बात कर रहा है डिवाइन टाइमिंग की। और चौथा है मैजिशियन, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, वो भी सही तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि मून का अफेक्ट होने की वजह से आप लोग सही से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हैं, तो ये मेन चैलेंजेस नजर आते हैं। अदरवाइज तो कनेक्शन तो देखिए आपका, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजों को अरेंज किया जाएगा, किस तरीके से सारी चीजों को अरेंज किया जाएगा, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, किस तरीके से सारी चीजों को अरेंज किया जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, हाई पीस्टेस, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स काउंटर पार्ट की एनर्जी है गाइस, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली काउंटर पार्ट की एनर्जी है आपके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस आई है। सबसे बड़ा यहाँ पर यूनिवर्स ने टास्क दिया हुआ है, जैसे मैं बता रही थी एप्रिसिएशन का कार्ड था, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्ड था आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस का, यहाँ पर कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने एक टास्क रखा हुआ है एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस, तो आप में से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स अपने ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी पावर में आने के लिए कह रहा है, ठीक है। तभी यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जजमेंट है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस, डेफिनेटली ये कनेक्शन एक स्ट्रांगली डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन लग रहा है, डिवाइन कपल्स हो आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस से आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पर है, कोई लाइफ पर्पस है बड़ा, ठीक है, उसके लिए भी यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा लाइफ पर्पस मुझे नजर आता है जिसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को चेंज करें, ऐसी चेंज की एनर्जी फील हो रही है हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस। कोई यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे उनके हाथों में ही है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको टास्क दे के रखा है एक, ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पर देखिए अगेन कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पर लगता है कि गाइस आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगेन वो कम्युनिकेशन का गैप बता रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग के लिए जो यू नो थर्ड पार्टी है वो समाज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग तभी तक स्ट्रगल करोगे इस कनेक्शन में जब तक कि आप अपनी फुल पावर में नहीं आ जाते, यानी कि अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं आ जाते, ठीक है, आप भी और आपके पर्सन भी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जो यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप लोगों को आपकी ऑथेंटिक सेल्फ और अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी पावर में बाहर निकाला जाए। मतलब एक होता है गाइस कि आप ओरिजिनलिटी आपकी क्या है, ठीक है, आपकी ओरिजिनलिटी कैसे डिसाइड होती है, आपकी ओरिजिनलिटी उससे डिसाइड नहीं होती है कि आपने अभी तक कैसी जिंदगी जी और आप अभी तक क्या करते हुए आए हो, तो वो आपकी यू नो प्रोग्रामिंग होती है जो आपने स्टार्टिंग से ही
अपने फैमिली में जो चीजें देखी या फिर जो भी आपने माहौल देखा उसके हिसाब से आपके दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल में क्या है या फिर आप कितने पावरफुल हैं, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आप कौन सी पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको तब मिलती हैं जब आप अपने ट्रू या ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर निकल कर आते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्स को पता होता है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है या फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप हो सकता है कि अपने आप को बहुत कम समझ रहे हों, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि ये कौन सा इंसान है या ये क्या सोल है या फिर इसने आज तक क्या किया है। मतलब आपके जो अभी तक पास्ट लाइफ रहे हैं वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आप कितनी पावरफुल सोल हैं, ठीक है, तो वो आपको फिर उस तरीके के चैलेंजेस दे देते हैं कि आप ये निकल जब आप इन चैलेंजेस से निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या हैं और आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। सो फुल ऑन पावर में मुझे लगता है कि आपके जो डिवाइन है वो आपको फुल पावर में देखना चाहते हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर जब आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर निकल कर आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्स ऑफ वैंड्स एंड डिवाइन डिवाइन यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है या व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स है, ठीक है, ये चीजें नजर आ रही हैं, ये चीजें यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। तो यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, एक तो आपको अप्रिसिएशन मिलना है यहाँ पे, आप दूसरा आपके थ्रॉट चक्रा पर आपको काम करना है, तीसरा आपकी स्ट्रेंथ आपकी फुल पावर में आपको आना है, ठीक है, एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस, बस ये दो तीन चार टास्क हैं आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स की मर्जी वही है जो आपकी मर्जी है, लेट्स सी कि यूनिवर्स की मर्जी क्या है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहेगा इसकी यूनिवर्स की मर्जी क्या है, अगेन कार्ड है थ्रॉट चक्रा का, यहाँ पर कार्ड है शैडो का, शैडो पर वर्क कीजिए, विजडम नॉलेज का, एंड यहाँ पर सी स्पिरिचुअल यूनियन, एंड बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ कप्स फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है, जो मैं आपसे बोल रही थी वही कार्ड आ गए। पहला है थ्रॉट चक्रा पर काम, दूसरा है शैडो साइड पर काम, तीसरा है विश फुलफिलमेंट सॉरी विश विजडम नॉलेज ज्ञान को अर्जित करना, चौथा है एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा और उम्दा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद है रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट विशेस सारी खुशियां पूरी, ठीक है। इस तरीके से यूनिवर्स से स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हैं आपके कनेक्शन के लिए, देखते हैं कि कौन से एंजल्स हैं जो स्ट्रांगली इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। हो माय 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 ओ माय माय लॉर्ड शिवा, मतलब ये लॉर्ड शिवा के अंडर कंट्रोल है कनेक्शन आपका, मेलकीजेडेक एंड डायना फोकस्ड इंटेंशन, ठीक है, ओके, सो डायना कह रही है फोकस्ड इंटेंशन, एंड यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का भी सपोर्ट है, यहाँ पर यू नो काली माँ का भी डेफिनेटली सपोर्ट है, ओके, सो यहाँ पर है थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ये कह रहे हैं इंटेंशन प्योर रखो, अपने फोकस रखो, ठीक है। इंटेंशन कैसे रखने, इंटेंशन ऐसे रखने हैं कि मुझे खुद पर बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग वर्क करना है, ठीक है, और मुझे अपनी लाइफ में एप्रिसिएशन को लेकर आना है कैसे भी करके, ठीक है, और मुझे अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म करना है, अपने शैडो पर वर्क करना है, ठीक है, तो ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, बाकी रिवॉर्ड आप छोड़ो यूनिवर्स के हाथों में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम तो आप दे आए, अब मार्क्स क्या आएंगे या फिर आपको कौन सा पोजीशन मिलेगा ये यूनिवर्स के हाथों में छोड़ो, ठीक है, कर्म कर दो, फल की चिंता ना करो। लॉर्ड शिवा राइज अप ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ओके। मेलकीजेडेक हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बार बार आपसे यही चाहते हैं कि आप और स्टडी करें और जाने और नॉलेज ज्ञान ग्रहण करें, विजडम कार्ड के साथ और नॉलेज मिले आपको और ज्ञान आपको मिले और आप हायर लर्निंग करें, तो ये चीजें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आप लोगों के लिए नजर आती हैं। मतलब ये फुल ऑन गाइस, ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट डेक था उसमें भी कार्ड था जर्नी का, दूसरा डेक था उसमें भी कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा डेक है उसमें भी कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डिवाइन कपल की एनर्जी, यहाँ पर चौथे डेक में स्पिरिचुअल यूनियन एंड यहाँ पर है लॉर्ड शिवा, ओके। सो ये चीजें नजर आ रही है, डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है गाइस के यूनिवर्स की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, कुछ दो चार काम जो उन्होंने आपको दे के रखे हैं आपको सिर्फ उनको करना है, ओके डियर। सो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, क्लेम जरूर कीजिए गाइस, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके,
सो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।